हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप देख रहे हैं स्पीच पाठशाला। आज हम यूपीपीसीएस प्री आरओ एआरओ 2011 का पेपर एनालाइज करने जा रहे हैं। इसमें हम देखेंगे 75 नंबर से क्वेश्चन हैं। इसमें हमारा है मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से केरल प्रथम स्थान पर है। कारण बताइए। इसकी बेरोजगारी दर देश में उच्चतम है। तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? तो आप लोग ये जानते हैं सही, आर ये दोनों सही है, परंतु क्या है, आर ये सही व्याख्या नहीं हो रहा है। तो मानव विकास सूचकांक के अनुसार भारत जो है, मानव विकास सूचकांक के अनुसार भारत के राज्यों में विकास की दृष्टि से केरल सर्वोत्तम स्थान रहा। ये उस समय की बात है, 2011 और 12 में केरल में बेरोजगारी का दर 6.1% थी। केरल सबसे ज्यादा बेरोजगारी व दर वाला राज्य है। कथन और कारण दोनों सही, परंतु कथन कारण की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो स्वामित्व के आधार पर निम्नलिखित में कौन सा एक अन्य से भिन्न है? तो आप लोग सभी जानते हैं कंपनियों का ऋण पत्र। स्वामित्व के आधार पर कंपनियों का ऋण पत्र में से अन्य से भी इसलिए भिन्न है क्योंकि समय के अनुसार इसका स्वामित्व बदलता रहता है। लेकिन जीवन बीमा पॉलिसी, बैंक की समयावधि, किसान विकास पत्र, ये सबके स्वामित्व नहीं बदलता रहता है। अगला हमारा भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण के वित्त के प्रमुख स्रोत हैं। तो इसको आप लोग सही करते हैं, उपकर जो है। भारतीय राज्य प्राधिकरण के वित्त का प्रमुख स्रोत प्रत्येक वर्ष विभिन्न करों, आयकर, सीमा शुल्क आदि पर लगने वाला उपकर है। उपकर किसी उद्देश्य विशेष की पूर्ति के लिए कर के साथ कर आधार पर लगने वाला कर है। उपकर जिस विशेष उद्देश्य से लगाया जाता है, उससे मिलने वाली राशि उस उद्देश्य विशेष पर ही खर्च की जाती है। 78 नंबर सवाल पर अगर हम बात किया जाए, तो कौन सा संगठन विदेश व्यापार का संवर्धन करता है? तो आप लोग इसका तो सही जानते होंगे सभी लोग की जो है कि ये सभी संगठन जो है ये विदेशी व्यापार का संवर्धन करते हैं। अगला हमारा जो है साख पत्र दिया जाता है। साख पत्र यानी एलसी क्या होता है? तो इसका आप लोग जवाब बता दीजिए। तो इसका जवाब हमारा क्या हो जाएगा, एक आयातकर्ता, ये आयातकर्ता द्वारा क्या है, एक दिया जाता है। साख पत्र जो है एक आयातकर्ता द्वारा दिया जाता है। आयात की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, तो आयात की प्रक्रिया कहाँ प्रारंभ होती है, इंटरनेट से प्रारंभ होती है। और अगला जो हमारा है, निम्नलिखित में से कौन माल के आयात हेतु विदेशी विनिमय की स्वीकार स्वीकृति देता है? तो ये सभी लोग जानते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें और अधिक से लोगों तक ये क्या वीडियो पहुंचाने की कोशिश करें। धन्यवाद।